हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो आप सभी को पता ही है कि मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने 21 वीडियोस डाल रखी हैं। तो दोस्तों, मैं रेगुलरली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स डालती रहती हूँ, तो वो एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जो भी नए यूजर हैं वो इस स्लाइड को एक बार पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। लास्ट मैंने टॉपिक कवर किया था सोशलिज्म, जिसमें हम फर्दर जब हमने लास्ट में पढ़ा था कार्ल मार्क्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आज के हमारे इस टॉपिक मार्क्सिज्म में, जिसको हम हिंदी में मार्क्सवाद भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मार्क्सिज्म। तो दोस्तों, मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म एक तरीके से बोले तो लिबरलिज्म जो था, लिबरलिज्म में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसकी डिटेल उधर से एक्सेस कर सकते हैं कि वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है ये सब। तो मार्क्सिज्म आया लिबरलिज्म के एज एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि उसको अपोज करते हुए, और जो इकोनॉमिक फ्रंट था ना, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था कैपिटलिज्म का, उसको अपोज करते हुए। तो बेसिकली जो मार्क्सिज्म है वो ऐसा जनरेट हुआ कि 16th एंड 17th सेंचुरी में एक एरा चला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसके चलते बहुत सारी मैकेनाइजेशन हुआ एंड लोगों का माइग्रेशन हुआ रूरल से अर्बन एरियाज में। तो जब वो अर्बन एरियाज में आए, उन्होंने काम किया, जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो डिटेरियरेटिंग कंडीशन थी। मतलब ना तो उनको काम करने की सुख सुविधाएं मिलती थी, ना रहने की, स्लम्स में रहते थे, काफी बीमारियों वाले एरिया में रहते थे। तो ऐसी वर्कर की जो मेंटल, फिजिकल एंड नॉर्मल उनकी जो हेल्थ थी, सारी वो डिटेरियरेट होते गई फैक्ट्री सिस्टम के चलते। तो आया एक आइडियोलॉजी, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था सोशलिज्म, एंड उसी का एक्सट्रीम फॉर्म आई मार्क्सिज्म। जो कार्ल मार्क्स थे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिफाइन कर रखा, एंड फ्रेडरिच एंजल्स, इन दोनों ने रियलाइज किया, इन्होंने एनालाइज किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, उसका क्या इम्पैक्ट है एंड कैपिटलिज्म का क्या इम्पैक्ट है। और ये निकल के आया एक आइडियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म, और साइंटिफिक सोशलिज्म ही नाम है मार्क्सिज्म का दूसरा। तो देखिए, इसके बहुत सारे प्रोपोनेंट्स हैं, कार्ल कॉट्स्की, जॉर्ज प्लेकनोव, व्लादिमिर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, माओ ज़ेडुंग, जॉर्ज ल्यूकास, थियोडोर अडॉर्नो, मैक्स हॉर्कहेमर, हर्बर्ट मार्क्यूस, ग्राम्स्की, ये सारे इसके प्रोपोनेंट हैं मार्क्सिज्म के, जिन्हें हम आगे जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स कवर करेंगे तो हम सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करेंगे। तो आप अब फिलहाल के लिए नाम याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉम्पोनेंट क्या है क्लासिकल मार्क्सिज्म के। तो कॉम्पोनेंट लेनिन के हिसाब से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म के। फर्स्ट है कि डायलेक्टिकल फिलॉसफी। ये डायलेक्टिकल फिलॉसफी क्या होती है, इसको हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जितना अभी बता रही हूँ सब कुछ कवर होगा, बट इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी फायदा है। जो डायलेक्टिकल फिलॉसफी है वो दो चीजें कवर करता है, एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और दूसरा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा कि इकोनॉमिक आइडिया क्या था इनका, मतलब ये जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है ना, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। तीसरा इनका इम्फेसिस इधर था, एंड ये एनालाइज करते हैं कि कैपिटलिज्म पे, कि कैपिटलिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की जिंदगी पे। और ये बहुत ज्यादा कंसर्न है कि वर्कर्स के इक्वल वेजेस एंड उनकी इक्वालिटी को लेके। अब अगर मैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी 2 मिनट आपके साथ डिस्कस करूं, तो ये उनका ये मानना है कि जो लेबर है वो अपना जो लेबर है एज अ कॉमोडिटी देता है आपको, यानी कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियट, ये दो डिवीजन है बेसिकली मार्क्सिज्म में। बुर्जुआजी वो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जो कैपिटल ओन करते हैं, जिनके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब उनकी ओनरशिप होती है, एंड प्रोलेटेरियट वो लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इन शॉर्ट, वो अपना लेबर बेच के आपके लिए प्रोडक्शन करते हैं एंड आप उस प्रोडक्शन से पैसे कमाते हो। अब ये आइडियोलॉजी कैसे निकली कि ये जो प्रोलिटेरिएट है इनके पास भी ओनरशिप होनी चाहिए? देखिए, जनरली अगर हम उस टाइम के बारे में बात करें तो उस समय जो वर्कर्स थे उनको जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता था, तो ये तो सही नहीं हुआ। जैसे अभी लेबर लॉज है, वैसे तब उस समय नहीं थे। तो मार्क्सिस्ट का मानना था कि ये जो इनको एक्स्ट्रा इतना काम करा रहे हैं और इनको सरप्लस भी मिलना चाहिए, मतलब जो अपना ये लेबर दे रहे हैं उसका इनको रिटर्न मिलना चाहिए, और ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इससे निकलने का मात्र एक एक ही रास्ता है, वो है रिवोल्यूशन। कि आप बुर्जुआजी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करो एंड धीरे धीरे वो जो क्लास डिस्टिंक्शन है ना, कि बुर्जुआजी और प्रोलेटेरियट, वो दोनों खत्म हो जाएगी। एंड जैसे ही वो दोनों खत्म हो जाएगी, तो जब कोई क्लास ही नहीं रहेगी तो किसी में भेदभाव भी नहीं रहेगा। जब भेदभाव नहीं रहेगा तो
जो स्टेट है ना, मतलब वही ओन करेगी सारी ओनरशिप एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट से ये, एंड धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद हमें स्टेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी है जिसको अभी हम उनके डीप प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से इनका चौथा जो मेन इम्पोर्टेंट असेंशियल कॉम्पोनेंट था वो है था स्टेट एंड रेवोल्यूशन, मतलब ये रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे। एंड इनकी थ्योरी थी क्लासेस को लेके, क्लास स्ट्रगल को लेके, एलियनेशन की फ्रीडम को लेके, रेवोल्यूशन को लेके, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी इनका बनाने का इरादा था रादर देन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब बात करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो टर्म है वो सबसे पहले यूज की थी ग्रीक्स ने, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से इनका मतलब था कि आर्ग्यूमेंट करना एंड रीजनिंग करना। देखिए जब भी अभी भी देख लीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ रीजनिंग देंगे, तभी जैसे मैं कुछ जवाब दूंगी उसमें कमेंट में, तो क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछता है, देन उसके काउंटर क्वेश्चन आता है, देन उसकी काउंटर रीजनिंग आती है। तो ऐसे ही करके एक जनरल एनालिसिस निकलती है, एक जनरलाइजेशन फॉर्म आती है एंड कुछ सिंथेसिस होता है। तो डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म इन शॉर्ट रिलेटेड है तीन टर्म से, थीसिस यानी कि आइडिया, एंटीथीसिस यानी काउंटर आइडिया, एंड सिंथेसिस मतलब कि कुछ उससे निकलना, उसका कुछ रिजल्ट निकलना ये आर्गुमेंट करने का। तो इसमें जो बहुत पुराने प्रोपोनेंट है वो है हीगल, और इनका मानना था कि जो मींस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि आपस में आप डिबेट जो करते हो एक दूसरे की और उसको अपोज करते हो, तो इससे एडिक्वेट सिंथेसिस निकलती है। जैसे रिसर्च भी ऐसी निकलती है जब हम एक दूसरे की रिसर्च को अपोज करते हैं एंड कुछ डिबेट करते हैं। लेकिन अब जो ये मार्क्स आए ना, इन्होंने बोला कि जो हीगल का डायलेक्टिकल मेथड है ना वो आइडियलिस्ट है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आइडियलिस्ट वो लोग होते हैं जो आइडियल्स यानी कि प्रिंसिपल्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर देन कि प्रैक्टिकलिटी पे। और जो मार्क्स अपना आइडिया मानते थे ना ये डायलेक्टिकल मेथड का, वो बोलते थे कि मैं मटेरियलिस्ट हूँ। मटेरियलिस्ट वो लोग होते हैं जो मटेरियल वैल्यू को, मटेरियल पोजेशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन प्रिंसिपल्स को। और ये उन्होंने अपनी एक बुक में कहा था जो था जो थी क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। देन लॉज ऑफ डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, मैंने एक इंपॉर्टेंट लॉ तो आपको बता दिया, थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ये आप जरूर याद रखिएगा डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म की कभी भी बात करते हैं तो। तो इसका बेसिस यही है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही है ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और जब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो उनका रिलेशन होता है, एंड अगर ये चीज होती है तो इम्पैक्ट भी होता है एक दूसरे से। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग है उसको हर एक स्फेयर में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हर एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनके कुछ लॉस थे, तीन लॉ हैं। फर्स्ट है कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि जो क्वांटिटी में जो चेंज है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें कि क्वालिटी में हो। दूसरा लॉ ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स, यानी कि जो इकट्ठे सिंथेसिस आपने करनी है आप करो, एंड स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स यानी डिबेट वगैरह, एंड लॉ ऑफ नोगेशन एंड लॉ ऑफ नेगेशन मतलब किसी को अपोज करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी टर्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। तो जो मटेरियलिस्ट और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है ना हिस्ट्री की, वो इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि इनका मानना था कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ना सोसाइटी के वो हिस्टोरिकली जनरेट हुआ। कैसे, जो मेन एंड वुमेन थे वो क्या करते थे कि अपनी सस्टेनेंस, अपनी प्रोड्यूस एक्सचेंज करते थे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एंड जिस हिसाब से वो करते थे उस हिसाब से हमारी सोसाइटी बनी, यानी कि उस हिसाब से सोसाइटी में प्रोग्रेस हुई, उसी हिसाब से उसका पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इथिकल रिलेशनशिप डेवलप हुई। अब इसका मैं क्लासिक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, इंडिया में जो वर्ण सिस्टम फॉलो होता है कि जो ब्राह्मिन्स होंगे वो लेक्चर देंगे एंड वो एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एंड जो क्षत्रिय होंगे उनका काम होगा कि एक तो रूल करना एंड दूसरा डिफेंड करना अपनी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, एंड तीसरा वैश्य वो होंगे मर्चेंट्स, एंड चौथा जो शूद्र थे वो स्लेव होंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन हुआ ना कि हिस्ट्री के हिसाब से उनके इकोनॉमिक रिलेशन भी वैसे ही बढ़ गए, एंड उसी हिसाब से वो लेन देन करते थे, उसी हिसाब से वो एक दूसरे में रिलेशन कंडक्ट करते थे। तो उसी हिसाब से सोसाइटी की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल सारे रिलेशन मोल्ड हो गए। फिर बात करते हैं इसके कि
जो हिस्ट्री है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो है हिस्ट्री ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, कि कैसे वो डेवलप हुई प्रोडक्टिव फोर्सेस, उसकी हिस्ट्री होती है. एंड हर एक हिस्ट्री की जो स्टेज है उसमें स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है कि किसी एक प्रोडक्शन की या फिर प्रोडक्टिव फोर्सेस की, कि कैसे वो डेवलप हुई. जो स्लेव ओनिंग सोसाइटी है ना, कि जैसे कोई पहले जो दास प्रथा थी वो बहुत ज्यादा चलती थी, तो वो पहला ऐसा इंसिडेंस ये मानते हैं कि जब प्रोडक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई, यानी कि एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, एंड सोशल रिलेशन जब आपके राइट्स छीने जाते हैं, तो इनके हिसाब से वो तब डेवलप हुई. तो मार्क्सिज्म के हिसाब से दो टाइप की सोसाइटी होती है, एक तो जिसमें क्लास होती है जैसे मैंने बताया, जिसमें डिस्टिंक्शन होता है, वर्ण सिस्टम ले लो, बुर्जुआजी प्रोलिटेरियन ले लो, और दूसरा होता है क्लासलेस सोसाइटी इनके हिसाब से. एंड वही क्लासलेस सोसाइटी होती है जो आपको सारे राइट्स दिलाती है इनके हिसाब से, बिकॉज उसमें एक ऐसी स्टेज बन जाती है जब किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती. जब डिस्टिंक्शन नहीं रहती तो लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो पोजीशन नहीं रहती. अब क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, तो मार्क्स एंड एंजल्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने वर्क, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एंड इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे आया था, जो कि मैं पॉलिटिकल थिंकर जब कवर करूंगी ना तब बताऊंगी आपको. इसमें बताया था कि जितनी भी हिस्ट्री है ना, जितनी भी सोसाइटी, आप जितनी भी सोसाइटी ले लो आज से पहले की, उनकी जितनी की भी हिस्ट्री है ना, वो है हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि हर कोई ना कोई क्लास के बीच में स्ट्रगल पे ही बेस्ड है. और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे फ्री मैन और स्लेव के बीच में रिलेशन ले लो आप, लॉर्ड और सर्फ के बीच में ले लो, गिल्ड मास्टर एंड जर्नीमैन के हिसाब से ले लो, यानी कि इन शॉर्ट ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट की ही हिस्ट्री है, ठीक है. एंड वो हमेशा एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली अपोज करते हुए आए हैं, और ये जो स्ट्रगल है ना, अनइंटरप्टेड ओपन स्ट्रगल है, यानी कि जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिसको ना ही हम समझ सकते, यानी ओपन स्ट्रगल है, ये चलते रहेगा. तो इसका ये एक ही सॉल्यूशन मानते थे कि क्लास तो हटा ही दो. तो जो क्लास स्ट्रगल है ना, कि जैसे जो क्लास एक्सप्लॉइट हो रही है, अगर वो दूसरी क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगी, तो ही वो एक ऐसे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसे कि उस समय पे जो इनका मेन अपोजिशन का चक्कर था, वो था कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और ये किसमें करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे उसको सोशलिस्ट सिस्टम में, एंड देन कम्युनिस्ट सोसाइटी में. अब रिवॉल्यूशन की बात करें, तो मार्क्स की भाषा में रिवॉल्यूशन एक रिवॉर्ड नहीं है कि आपको हाँ कि कोई पुरस्कार मिल गया कि हाँ भाई रिवॉल्यूशन कर दिया तुमने, लेकिन इसका मेन एम्फेसिस है कि एक सोशल चेंज ला दिया तुमने, कि जो रेवोल्यूशन से पहले की दुनिया थी एंड रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया थी बिल्कुल अलग होगी. एंड ये वैसा पॉइंट होता है, वो वैसा पॉइंट है जहां पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव फोर्सेस, की जो फोर्सेस किसी एक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इनके हिसाब से प्रोडक्शन होता था, कि जो भी प्रॉफिट वगैरह एंड ये इकोनॉमी से ही ज्यादा रिलेट करते थे इसको, एंड उनके बीच में क्या रिलेशन है प्रोडक्शन के बीच में, वो कैसे चेंज होगा. एंड इसी के दौरान आफ्टर रेवोल्यूशन आपके जो न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो शुरू हो जाते हैं, कि नए तौर तरीके जिंदगी के सीखते हो आप. इसके बाद कैपिटलिज्म के बारे में बात करें, तो मार्क्स का कहना था कि जो कैपिटलिज्म है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड होता है सरप्लस वैल्यू में. सरप्लस वैल्यू इस लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे. और इंडिविजुअलिस्टिक जो कैपिटलिज्म है ना, कि किसी एक जो पर्सन है उसके राइट्स को लेके एंड उसके फ्रीडम को लेके जो कैपिटलिस्ट है, वो फिर धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक हो जाता है, यानी कि वो फिर अपने राइट्स दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, एंड उनकी ही मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, बिकॉज उनके पास मनी पावर होती है. फिर अब आते हैं इनके एलियनेशन पे. तो एलियनेशन क्या है इनके हिसाब से? एलियनेशन सबसे पहले यूज किया था मॉडर्न वेस्टर्न थॉट में हीगल ने. हीगल का एक वर्क था लुथरेनिज्म, उसमें उन्होंने यूज किया था. एंड उसके बाद जो सेंट अगस्तिन के आइडियाज थे, ये सब एलिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे. तो एलिनेशन अभी हम डिटेल में करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन यूज करते हैं. तो हीगल के हिसाब से एलिनेशन एक पार्ट है ह्यूमन कंडीशन का. देखिए, आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कुछ काम करते हैं, जैसे अगर हम अपना पढ़ाई में बिजी हैं, हम अपना ऑफिस में बिजी हैं, तो हमारी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ इंपैक्ट होती है. जैसे अगर हम ऑफिस में बिजी हैं, तो जो लोग घूम रहे हैं, जो उनके सोशल रिलेशंस हैं, वो सारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको पर्टिकुलर 8 to 10 आवर्स समझ लो ऑफिस में काम करना है. एंड
उस टाइम पे उन्हें सिर्फ काम ही करना पड़ता है, चाहे उनको कुछ और करने का मन हो या नहीं हो। अब इनका मानना था कि ये जो एलियनेशन है ना, ये हम कम कर सकते हैं, इसे हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम अपने बारे में कुछ तथ्य जान सके, यानी कि सेल्फ नॉलेज के हिसाब से जब हम सेल्फ नॉलेज करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अपने आप को जानें, तो हम एक कॉन्शियसनेस वाली स्टेज में आ जाते हैं, जब हमें समझ में आता है कि क्या नेचुरल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट है एंड कैसे एलिनेशन हो रहा है एंड हमें उसे कैसे टैकल करना है। तो मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स एलिनेशन को इन्होंने चार उसमें डिस्टिंक्ट वे में बताया है, ये आप याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत बार आता है। इनकी जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, जिसको हम फिलोसफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, जो उन्होंने 1884 में निकाली थी, उसमें इन्होंने बोला है कि जो कैपिटलिज्म लेबर है ना, ये बहुत तरीके से एलिनेटेड होता है, एलिनेटेड मतलब अकेले होते हैं। तो इसमें इन्होंने चार वेज बताए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो लेबर है वो अपना लेबर बेच के अपना सर्वाइवल पूरा करते हैं, तो इसी दौरान उनको एलिनेट होना पड़ता है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। पहला उनका है कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि जितना वो यूज कर रहे हैं अपना लेबर, लेबर पावर, उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि जैसे उस समय मैंने बताया था लेबर लॉस नहीं थे एंड इतना रूल के अंदर नहीं होता था सारी चीजें, तो उनको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता था। से अगर उनको 5 घंटे के वेजेस मिल रहे हैं तो वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, जो ये 5 घंटे का काम है ये प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि जो उनका काम है उससे उनको दूर रखा जा रहा है। दूसरा, जब वो वर्क क्या होता था, फोर्स्ड लेबर होता था, तो यानी कि उनका जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे लॉस्ट हो रहा है। और तीसरा है कि फ्रॉम अदर पीपल, यानी कि जो उनकी सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप काम कराओगे उनसे तो वो उसके अलावा क्या करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे बस, तो उनकी सोशल लाइफ से मतलब आप उनको दूर रख रहे हो। एंड फ्रॉम द स्पीशियस बींग, दैट इज असेंशियल ह्यूमन नेचर, यानी कि एज अ ह्यूमन आप उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे, आप उनको एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हो। तो इन चार एरियाज में वो एलिनेटेड होते हैं, यानी कि वो अकेले होते हैं इन चार तरीके से। अब बात कर लेते हैं हम सरप्लस वैल्यू की। देखिए, बुर्जुआजी पैसे लगाता है किसी भी प्रोडक्शन फैक्ट्री में, लेबर लेबर को अपनी सेल करके प्रोडक्शन निकालता है एंड प्रोडक्शन बेच के जो बुर्जुआजी है वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो अगर वो बुर्जुआजी उनसे जितने एस्टिमेटेड आवर्स है, समझ लो 8 to 10 hours उस समय समझ लो सही था, लेकिन वो उनसे काम करे 12-15 घंटे, होता था ऐसे, इतने ज्यादा घंटे होते थे, ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा काम कराए उनसे। एंड जो उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, समझ लो उस समय उन्होंने 15 घंटे काम किया एंड उनका जो लीगल था वो 10 घंटे था, तो जो 5 घंटे वाला काम का जो वो है ना, उनकी सरप्लस की जो उनका प्रॉफिट है, ये सब ये तो गया, और इसकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो कौन लेगा, वो लेगा बुर्जुआजी। तो मार्क्स कहते थे कि जो कॉमन सोशल सब्सटेंस क्या है सारे कॉमन सब्सटेंस का, वो है लेबर, कि लेबर तो हर काम में करना पड़ता है, कुछ भी आप काम करो। और जितनी भी कॉमोडिटीज की वैल्यू है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि उसपे कितनी क्वांटिटी में और कितना क्वालिटी में लेबर लगा है। अब अगर हम कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर लेते हैं एंड एक सोशलिस्ट सोसाइटी बना लेते हैं ना, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन है ना वो सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर वो स्टेट ओन करेंगे, एंड स्टेट ओन करेंगे तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी, एंड डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी तो जो सरप्लस वैल्यू है वो सब सब में इक्वली बांटेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट है वो सब में बांटेंगे, क्योंकि वो उनके लेबर का ही नतीजा है। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो जो कैपिटलिज्म है ना, उनके हिसाब से वो स्ट्राइव करता है, उसका मेन फोकस होता है सरप्लस वैल्यू, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे जो रेवोल्यूशन है ना वो इनएविटेबल हो जाता है। मतलब कि कैपिटलिज्म जितना भी मतलब सरप्लस वैल्यू को यूज कर ले, लेकिन अगर वो ओवर एक्सप्लॉयट करेगा किसी को, तो रेवोल्यूशन तो डेफिनेटली होगा, इट इज इनएविटेबल, यानी कि अनस्टॉपेबल, वो होता ही है। एंड उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी जब एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन एक्चुअली जब हम आगे लेनिन को पढ़ेंगे, माओ ज़ेडुंग को पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे, तो ये पता चलता है कि जो इन्होंने एक्चुअल थ्योरी बनाई थी ना, उसके हिसाब से रेवोल्यूशन नहीं हुआ, उसके अलग रीजंस थे, उसके पीछे अलग स्टोरीज थी, एंड जो इन्होंने स्टेप्स बताए थे वो प्रॉपर फॉलो भी नहीं हुए उन्होंने, लेनिन ने भी, माओ ज़ेडुंग ने भी, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके रेवोल्यूशन लाए।
तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा सिर्फ डिफरेंस होता है, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि इनको लगा उस समय ऐसा है, बट जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उस समय की, उनको तो यही लगा ना कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो एक इकलौता सिस्टम है कि आप जल्दी पैसे कमा सकते हो एंड स्टेट डेवलप हो रही है, तो हर एक के अलग अलग नोशंस होते हैं। तभी तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्टिंग इतनी बन गई थी आइडियोलॉजीज कि पूरा कोल्ड वॉर ही इस पे चला एंड पूरा वर्ल्ड ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि बेस और स्ट्रक्चर क्या आता है एंड टाइप्स ऑफ मार्क्सिज्म मैं आपको बताऊंगी उसमें। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज दोस्तों शेयर करें, ताकि ये जो मैं इतना बढ़िया कंटेंट डाल रही हूँ रोज रोज, इसकी कुछ वैल्यू हुए, लोग देखें उसको, मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। तो दोस्तों थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।